बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अपने बंदों और बंदियों को हमेशा जिस्मानी और रूहानी फजल दे और जलील मुकद्दसा मरियम कुमारी की सिफारिशों के ज़रिए इस जहान की दलगीरी से आज़ाद करके हमेशा की सादत बख्श दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, जो तेरे साथ रूहुल कुद्स की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है, आमीन। हमारे लिए आज की पहली तलावत तकवीन की किताब उसका 3:14-19 आयते मुकद्दसा। आज की दूसरी तलावत यूहन्ना आरफ का मुकाशफा उसका 12:1-5 है यार। खुदा खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारी खुदम यस्सुम की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलिक बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरजख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहां से आपके साथ हो। हमारी खुदम यीशु मसीह की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक उसका 1:39 आयत से लेकर। उन दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिसबात को सलाम किया। और जो ही इलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बत्तन में उछल पड़ा और इलिसबात रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बत्तन का फल मुबारक है। और मेरे लिए बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बत्तन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। इसे देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया
और उन्हें जो दिल के क्यास से मगरूर हैं प्रागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगिरी की ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसे उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। इंजील मुकद्दस के सिरे से हमारी हिताएं माफ की जाएं। मसीह तेरी स्ताईश हो। खुदावंद यसूल मसीह में मेरे अजीज भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, अक्टूबर के महीने का मिजाज और मूड बड़ा रूहानी ईमानी दीनी दुआया और मिशनरी है, और मौसम के इतबार से भी ये महीना बड़ा ही खूबसूरत महीना है। इसके आगाज ही में हम यानी 1 अक्टूबर को बच्चा यीशु की मुकद्दसा ट्रीजा की ईद मनाते हैं, जो कि मिशन की मुरब्बिया है, बहुत बड़ी हस्ती और बहुत बड़ी मुकद्दसा है। 4 अक्टूबर को एक बहुत बड़े मुबल्लिग अजीम मिशनरी अजीम मुबशर और एक बहुत बड़े इस्लाहकार जिसे दूसरा यीशु भी कहा जाता है, यानी मुकद्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी का योम यादगार मनाया जाता है। 18 अक्टूबर को मुकद्दस लूका अंजील नवीस की ईद मनाई जाती है। अक्टूबर के 3रे हफ्ते में इसी अंजील की मुनादी और प्रचार को वसत देने के लिए मिशन संडे मनाया जाता है। 28 अक्टूबर को मुकद्दस शमाउन और मुकद्दस यहूदा की ईद मनाते हैं। लिहाजा ये महीना अपने अंदर शुरू से लेकर आखिर तक मुकद्दसों मिशनरियों इस्लाहकारों रसूलों और उनके कामों का इहाता करता है, और इन सबसे बढ़कर अक्टूबर का महीना मुकद्दसा माँ मरियम के नाम से मंसूब है। पूरी दुनिया में मुकद्दसा माँ मरियम के मानने वाले इस महीने में मुख्तलिफ अंदाज में अपनी अकीदत उल्फत चाहत और मोहब्बत का इजहार अपनी माँ प्यारी से करते हैं। हमारे मुल्क पाकिस्तान में तकरीबन तमाम पैरिशेस और इलाका जात इस हवाला से बड़े सरगर्म नज़र आते हैं। पैरिशेस में ज़ियारतों मुकद्दस महफलों कन्वेंशनों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है जो एक खुशकुन और बाबरकत अमल है। आज सेंट जोसेफ पैरिश लाहौर कैंट में आज का ये इकट्ठ आज की ये बज़्म मरियम आज की ये ताजपोशी इसी कड़ी की अलामत है। सेंट जोसेफ पैरिश लाहौर के तमाम मोमिनीन अपने मजहबी रहनुमाओं की ज़ेर सरपरस्ती हर साल अपनी माँ मुकद्दसा मरियम को बड़ी अकीदत के साथ मोहब्बत के साथ उसकी ताजपोशी करते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि ऑल इज वेल इफ द एंड इज वेल, तो आज इस महीने का आखिरी दिन है और ये इख्तिताम रवायती तौर पर हो रहा है। ये इख्तिताम ईमानी जोश और जज्बे के साथ हो रहा है, ये इख्तिताम अकीदत के साथ हो रहा है, ये इख्तिताम मोहब्बत के साथ हो रहा है, ये इख्तिताम दुआ के साथ हो रहा है, ये इख्तिताम खुशी के साथ हो रहा है, और ये इख्तिताम शुक्रगुजारी के साथ हो रहा है। सेंट जोसेफ पैरिश लाहौर कैंट की ये खूबसूरत रवायत है कि वो 31 तारीख को ही मुकद्दसा माँ मरियम की ताजपोशी करते हैं। लाहौर डायसिस के तमाम पैरिशेस में से ये एक खूबसूरत तरीन ताजपोशी होती है, बहुत मुनज्जम ताजपोशी होती है, बड़ी अकीदत के साथ ये ताजपोशी होती है। तो आज आप सबको आपकी भरपूर तालियों में आज की ये ताजपोशी मुबारक कहता हूं। सद काबिल एहतराम रेवरेंड फादर हेनरी पॉल
पैरिश प्रीस्ट ऑफ सेंट जोसेफ पैरिश लाहौर कैंट, रेवरेंड फादर पैट्रिक सैमुअल, रेवरेंड फादर निकोलस हाकम, सिस्टर साहबाद मुबशरा ने अंजील, पैरिश में काम करने वाले तमाम ग्रुप्स, मैं आप सबको आज की ये ताजपोशी की मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मुकद्दसा मरियम के नाम लेवा मुकद्दसा मरियम से मोहब्बत करने वालों और मुकद्दसा मरियम से अकीदत रखने वालों को हस्ब रवायत 31 अक्टूबर को पैरिश में इकट्ठा किया ताकि हम सब मिलकर मुकद्दसा मरियम की अजमत और वकार को बुलंद कर सकें, उसे अपनी अकीदत प्यार और मोहब्बत दिखा सकें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रेवरेंड फादर हेनरी पॉल, उनकी सारी पास्टर टीम का जिन्होंने मुझे पुरखलूस दावत दी ताकि आज आपके साथ मिलकर मुकद्दसा माँ मरियम का जिक्र किया जाए और उसे अपनी अकीदत और मोहब्बत के फूल पेश किए जाएं। अजीज मोमिनीन, इस दफा हमारी सालाना ज़ियारत मुकद्दसा मरियम 2023 पर हमारे छुपाने आला आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने इस साल को तालीम तरबियत और हुनर का साल मनाने की मुनासबत से जिस मौजू का चुनाव किया वो है मुकद्दसा मरियम लासानी मुअल्लमा। ये मौजू इंतहाई खूबसूरत, दिलकश, पुर ईमान और अहम तरीन मौजू है। इस मौजू को सब ही ने पसंद किया, इस मौजू की बड़ी तशहीर हुई, हर पैरिश में इस मौजू पर बातचीत हुई और हर मुकरर ने इस मौजू को खूबसूरती से बयान किया है। ये मौजू मुकद्दसा मरियम की बेमिसल शख्सियत जो अपनी जिंदगी के हर पहलू के इतबार से काबले तकलीद और मिशले राह है। ये मौजू मुकद्दसा मरियम की जिंदगी के एक खास पहलू यानी मुअल्लमा होने या उस्ताद होने का इहाता करता है। मुकद्दसा माँ मरियम की जाते अक्दस के अंदर बेशुमार खूबियां हैं लेकिन इस दफा उसकी जिंदगी के एक खास पहलू पर गौर खोज किया जा रहा है कि वो लासानी मुअल्लमा है, वो बेमिसल उस्ताद है और इस मौजू का ही इहाता किया जा रहा है। मुकद्दसा मरियम की जात किसी भी उस्ताद की शख्सियत, उसके किरदार और उसकी खूबियों और उसके औसाफ पर बातचीत करना, उनको बयान करना मुश्किल काम है। उस्ताद की शख्सियत और उसके औसाफ को जब्ते तहरीर में लाना मुश्किल काम है और जब वो उस्ताद लासानी हो, जब वो उस्ताद बेमिसल हो, जब वो उस्ताद बेनजीर हो और जब वो लासानी मुअल्लमा हो तो फिर उसकी फजीलत को, उसके वकार को और उसकी अजमत को बयान करना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए शायर कहता है कि मैं अपने आप नू करां शीशा, कि मैं अपने आप नू करां शीशा, दसो नूर दी खोला किताब किथे, कि मैं अपने आप नू करां शीशा, दसो नूर दी खोला किताब किथे, जिस मुकाम नू मलक ना पहुंच सकिया, मलक यानी फरिश्ता, जिस मुकाम नू मलक ना पहुंच सकिया, उस जात दा खोला हिसाब किथे, कि मैं अपने आप नू करां शीशा, दसो नूर दी खोला किताब किथे, जिस मुकाम नू मलक ना पहुंच सकिया, उस जात दा खोला हिसाब किथे। एहो ही सोचदा सोचदा गुम होया, एहो ही सोचदा सोचदा गुम होया, किथे मैं ते मरियम जनाब किथे। बोलो माम कसा मरियम की, बोलो माम कसा मरियम की, किथे मैं ते मरियम जनाब किथे। अजीज भाई और बहनों, यूं तो ये बात रोजे रोशन की तरह आया है और खुदा के पाक कलाम की सच्चाइयों और रेनाइयों ने हम पर आशकारा किया है कि इस कायनात में खुदाए बुजुर्गो बरतर की हस्ती के बाद अगर किसी को बुलंद दर्जा और फजीलत बख्शी गई है तो वो मुकद्दसा मरियम ही की मुबारक जात है। उसी को फजीलत बख्शी गई है, उसी के वकार को बुलंद किया गया है।
आज के मौजू में हम मुकद्दसा मरियम के लासानी मुअल्लमा होने पर गौर करेंगे। लासानी का मतलब है जिसका कोई दूसरा सानी ना हो, उसका कोई मद्दे मुकाबिल ना हो, उस जैसा कोई और ना हो, उस जैसी सोच रखने वाला ना हो, उस जैसी फिक्र करने वाला ना हो, उस जैसी पाकीजगी रखने वाला ना हो, उस जैसी मोहब्बत रखने वाला ना हो। लासानी मुअल्लमा कि उसका कोई और सानी है ही नहीं, एक ही वाहिद जात है, एक ही हस्ती है और वो है मुकद्दसा मरियम। लासानी मुअल्लमा, मुअल्लमा का मतलब है तालीम देने वाली, सिखाने वाली, बताने वाली, समझाने वाली, नसीहत करने वाली, फरमाने वाली। एक अच्छे मुअल्लम में उसकी जात, कोई भी अच्छा उस्ताद जब होता है तो उसको बतौरे पर्सन देखा जाता है कि उसकी शख्सियत कैसी है, उसकी अपनी जात कैसी है, उसकी जात को देखा जाता है, उसकी पर्सनैलिटी को देखा जाता है और उसके बाद उसके औसाफ को देखा जाता है कि इस बंदे के अंदर, इस टीचर के अंदर, इस उस्ताद के अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन से औसाफ हैं। जात, औसाफ, उसकी तालीम, उसकी तालीम देखी जाती है कि कितनी डिग्री बड़ी ली हुई है, एमफिल किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, तालीम देखी, क्वालिफिकेशन। जात, औसाफ, तालीम और तरीका तदरीस, वो पढ़ाता कैसा है। बहुत सारे उस्ताद हैं जो बहुत नॉलेज रखते हैं, पीएचडी की हुई होती है, लेकिन वो इल्म दे नहीं सकते, इल्म बांट नहीं सकते, दूसरों तक वो नॉलेज मुंतकिल नहीं कर सकते, वो इस बात से, इस खूबी से कासर होते हैं। तो इसलिए किसी भी मुअल्लम का पहले जात देखी जाती है, उसके औसाफ देखे जाते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है, उसका तरीका तदरीस और फिर उसके शागिर्दों की कामयाबी को देखकर उसके मेयार का अंदाजा लगाया जाता है। बलोम कसम मरियम दे नां दी, भाई जितने मोमने उतनी आवाज नहीं आई, बलोम कसम मरियम दे नां दी, बलोम कसम मरियम दे नां दी। उसके हवारियों को, उसके शागिर्दों को कि वो कितने कामयाब हैं, कितनी कामयाब तरीन जिंदगी बसर कर रहे हैं। नीस इस बात को भी देखा जाता है कि उस्ताद कहां तालीम देता है, नीस इस बात को भी देखा जाता है कि उस्ताद कहां तालीम देता है, कौन सा मजमून पढ़ाता है, उसकी स्पेशलिटी क्या है और उसे क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। बहुत दफा कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में अच्छे उस्तादों को बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ये फिजिक्स का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ये केमिस्ट्री का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, ये बायोलॉजी, तो मुख्तलिफ जिम्मेदारियां, और वो जिम्मेदारियां शो करती हैं कि ये उस्ताद काबिल है, उस्ताद काबिल है, उसे क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुकद्दसा मरियम की जात, जो पहले जात की बात की गई है कि पहले जात देखी जाती है, तो मुकद्दसा मां मरियम की जात पाक और बेऐब है, अपनी सफात में कामिल है, अपनी तालीम बराह रास्त या बिला वास्ता खुदाए कादरे मुतलिक से हासिल करती है, अपनी जिंदगी के नेक नमूने से तालीम देती है और अपने हर शागिर्द को उस्ताद बना देती है। बलोम कसम मरियम दे नां दी, बलोम कसम मरियम दे नां दी, जोरदार तालियां बजाएं कसम के लिए जिनकी शान में फादर जी खूबसूरत पैगाम दे रहे हैं। कायनात की यूनिवर्सिटी में मुकद्दसा मां मरियम ने जिंदगी का मजमून पढ़ाया, कायनात की यूनिवर्सिटी में मुकद्दसा मां मरियम ने जिंदगी का मजमून पढ़ाया और पूरी जिम्मेदारी से रहती दुनिया तक हमेशा की जिंदगी पाने की राहों का तायुन करके दिया। यूं हर जमाने के लोग इस लासानी मुअल्लमा की जात, जात अक्दस से सीखेंगे और सुरखरू होते रहेंगे, इसकी जात से सीख रहेंगे और सुरखरू होते रहेंगे। आज हम सब भी
मुकद्दसा माँ मरियम से सीखने के लिए आए हैं। सेंट जोसेफ पैरिश लाहौर कैंट के लोगों, आज आप यहाँ इसलिए हैं ताकि अपनी लासानी मुअल्लमा से जिंदगी की बातें सीख सकें, आज अपनी इस मुअल्लमा से मुलाकात कर सकें, आज इसके पास कुछ वक्त गुजार सकें, आज इस मुअल्लमा से बातचीत कर सकें, आज इसको सलाम पेश कर सकें, आज इसकी अकीदत कर सकें, आज इसको अपना प्यार और मोहब्बत दिखा सकें। तो जो स्टूडेंट्स अपने उस्तादजा का अदब और एहतराम और इज्जत करते हैं, उस्ताद उनके दर्जात को भी बुलंद कर देता है। इसलिए आज आप सब इस मुअल्लमा के पास आए हैं जो जिंदगी का दर्स देती है, जो जिंदगी का सबक देती है, और आज आप सब के लिए उसके पास बहुत कुछ है। इसलिए मुश्ताक असद साहब फरमाते हैं, मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे, मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे, अलिजबात की मानद मुलाकात में लिखे जाओगे, मरियम के पास आओ सलीबी कलमात में लिखे जाओगे, मरियम के हाथों में आओ खुदा के हाथ में लिखे जाओगे। सेंट जोसेफ पैरिश के लाहौर कैंट के तमाम मोमिनीन लोगों, आज आप सलाम करने के लिए आए हैं उस मुअल्लमा को, मरियम को सलाम करने वालों, किताबे हयात में लिखे जाओगे। बोलो मुकसमा मरियम दे नादी, बोलो मुकसमा मरियम दे नादी। आइए जोरदार तालियों के साथ अपनी माँ को सलाम पेश करें। मरियम को सलाम करने वालों, किताबे हयात में लिखे जाओगे। यह है इस माँ का मुकाम, जो भी उसके पास आता है उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं, वो बाबरकत हो जाता है, वो खानदान तरक्की कर जाता है। और मुकद्दसा माँ मरियम अपने बेटे से आप सब के लिए दुआ गो रहती है। किसी ने कहा है कि उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बना देता है, उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बना देता है। सिकंदर आजम का कौल है कि मेरा बाप मुझे आसमान से जमीन पर लाया, मेरा बाप मुझे आसमान से जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझे जमीन से आसमान पर ले गया। ये है उस्ताद की कदर करने वाले लोग, ये है उस्ताद का अदब करने वाले लोग, जिनके दर्जात जो हैं वो बुलंद हो जाते हैं। और आज हम अपनी माँ मुकद्दसा मरियम जो लासानी मुअल्लमा है, उसका अदब और एहतराम करने के लिए उसकी गोद में आए हैं, उसके चरणों में आए हैं। सिखा वही सकता है जिसने खुद अच्छा सीखा हो, सिखा वही सकता है जिसने अच्छा सीखा हो। पैसे दे के डिग्री ना ली होवे, नकल मार के पास ना होया होए, मेहनत करके उस्तादों की ताबेदारी करके। सिखा वही सकता है जिसने खुद अच्छा सीखा हो। अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के अरूज के दौर में मेडिकल ने यह साबित किया है कि सीखने का अमल मां के पेट ही से शुरू हो जाता है। यह हमारा ईमानी अकीदा है, यह बहुत बड़ा अकीदा है, डॉगमा है। हमारा यह ईमानी अकीदा है कि मुकद्दसा मां मरियम बेदाग हमल में ली गई। मुकद्दसा मरियम वो वाहिद हस्ती है जिसे खुदा के फजल और पाकीजगी का गहरा तजर्बा मां के पेट में हुआ और वो पुर फजल कहलाई। मुकद्दसा मरियम की इब्तदाई तालीम और तरबियत हैकल में हुई, मुकद्दसा मां मरियम की इब्तदाई तालीम और तरबियत हैकल में हुई, यानी खुदा के घर से हुई। यही मुकद्दसा मरियम की पहली दरसगाह ठहरी और सिखाने वाला खुद खुदाए पाक है। मुकद्दसा मरियम ने यहां से क्या सीखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही अहम है।
कि मुकदसा माँ मरियम ने हैकल में से, उस दरसगाह में से, खुदा के घर में से, खुदा खुद बताने वाला, सिखाने वाला, उसने वहाँ से क्या सीखा। मुकदसा मरियम ने यहाँ से शरीयत और पाक नविश्तों की तालीम पाई, खुदा की हजूरी का गहरा तजर्बा किया, जिंदा खुदाए वाहद पर ईमान और उसके वादों पर भरोसा करना सीखा। अब मैं छोटे छोटे जुमले बोलूँगा और आपने जवाब देना है सीखा, ताकि हम एक दूसरे के साथ एक्टिव रहें, आप भी सीखें, ताकि जिस तरह मुकदसा माँ मरियम ने सीखा है, हम सब सीखने के लिए आए। तो मैं एक बहुत छोटा जुमला बोलूँगा, आपने ज़ोर से कहना है सीखा। क्या कहना है? सीखा। खुदा के लिए खुद को वक्फ करना सीखा, हर हाल में खुदा की पाक मर्जी को पूरा करना सीखा, खुदा की आवाज को सुनना सीखा, खुदा की आवाज को पहचानना सीखा, और खुदा की आवाज पर लब्बैक कहना सीखा, आजमाइशों पर गालिब आना सीखा, वफादार रहना सीखा, ताबेदार रहना सीखा, खिदमत करना सीखा, खामोश रहना सीखा, ध्यानो ज्ञान करना सीखा, गौरव खोज करना सीखा, दुआ करना सीखा, जज्बे कुर्बानी सीखा सीखा। हालेलुया, बोलो मुकदसा माँ मरियम दे नां दी जय, बोलो मुकदसा माँ मरियम दे नां दी जय। ये हैं वो बातें जो मुकदसा माँ मरियम ने हैकल में रहते हुए, खुदा के घर में रहते हुए, खुदा की पाक जात से सीखी। खुदा के लिए खुद को वक्फ करना सीखा, हर हाल में खुदा की पाक मर्जी को पूरा करना सीखा, खुदा की आवाज़ को सुनना सीखा, खुदा की आवाज़ को पहचानना सीखा, और खुदा की आवाज़ पर लब्बैक कहना सीखा, आजमाइशों पर गालिब आना सीखा, वफादार रहना सीखा, ताबेदार रहना सीखा, गौर खोज करना सीखा, दुआ करना सीखा, और जज्बा कुर्बानी सीखा। यही से, यानी खुदा की पाक हैकल से सब कुछ सीखा, सब कुछ खुदा ने इस अजीम मुअल्लिमा को सिखा दिया, ताकि वो सारी कायनात को सिखा सके। मुकदसा मरियम लासानी मुअल्लिमा की लासानी तालीमात, जो उस्ताद अच्छे होते हैं, बड़े होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लासानी होते हैं, उनके अल्फाज भी लासानी होते हैं, उनकी बातें भी बहुत कीमती होती है। तो इसलिए चूंकि मुकदसा माँ मरियम लासानी मुअल्लिमा है, और जो कुछ वो सिखाती है, जो कुछ वो बताती है, वो भी लासानी है, उसकी सारी तालीम लासानी है। मुकदसा मरियम ने उस दौर के यहूदी रबियों की तरह बाकायदा कोई दरसगाह या मकतब खोलकर तालीम नहीं दी। मुकदसा माँ मरियम ने बाकायदा तौर पर, जिस तरह आज कल हर गली में स्कूल खुले हुए हैं, एनजीओस की काम कर रही है, लेकिन मुकदसा माँ मरियम ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिस तरह यहूदी अपने लोगों को तालीम देते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई मकतब खोलकर तालीम नहीं दी, और ना ही कोई किताब तहरीर की, बल्कि मुकदसा मरियम की लासानी तालीमात उनकी जिंदगी के आमाल से झलकती हैं, उनकी जिंदगी के आमाल से झलकती हैं, क्योंकि उनका हर अमल सिखाने वाला होता है। जिंदगी माल से नहीं, अमाल से बनती है। आज का इंसान माल इकट्ठा कर रहा है ताकि जिंदगी बन जाए, जिंदगी अच्छी हो जाए, लेकिन अमाल नहीं है, अमाल नहीं है। जिंदगी माल से नहीं, अमाल से बनती है। तो मुकदसा मरियम की लासानी तालीमात उनकी जिंदगी के अमाल से झलकती हैं। मुकदसा मरियम की रोजमर्रा जिंदगी से दरसो तदरीस का दरिया बहता है। हर रोज वो अपनी जिंदगी से लोगों को सबक देती हैं, दर्स देती हैं।
उनकी जिंदगी का हर अमल ही, उनकी जिंदगी का हर अमल ही उस कश्ती की मानद है जो आपको मंजिल तक ले जाए। आपने दर हकीकत अपने मिजाज से सिखाया किस तरह, अब वो बातें हैं। आपने दर हकीकत अपने मिजाज से, अपने रवैये से, अपने ताल्लुकात से, अपनी जिंदगी से, अपनी फिक्र से, अपनी सोच से, अपने इदराक से सिखाया। मुकद्दसा मरियम का कोई स्कूल नहीं है, मुकद्दसा मरियम का कोई मदरसा नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, मगर वो खुद एक मुस्तनद स्कूल ऑफ थॉट है। कोई स्कूल नहीं है, कोई मदरसा नहीं है, लेकिन उसकी जात एक मुस्तनद स्कूल ऑफ थॉट है। मुकद्दसा मरियम ने खुद तो कोई किताब नहीं लिखी, गौर से सुनिएगा, मुकद्दसा मरियम ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन इस पर हजारों किताबें लिखी गई है। बोलो मुकद्दसा मरियम दे नां दी जय। बोलो मुकद्दसा मरियम दे नां दी जय। कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन हजारों किताबें इस पर वारी लिखी गई हैं। आज भी लोग इस जात पर लिखने से घबराते हैं कि कैसे लिखें, क्या लिखें, कैसे लिखें, कहीं गलती ना हो जाए। तो हजारों किताबों इस जात पर लिखी गई है। वो खुद अपनी जात में कामयाब जिंदगी का जामे सिलेबस है, वो अपनी जात में कामयाब जिंदगी का जामे सिलेबस है। आज सारे इस सिलेबस को पढ़ना है, लेके जाना है साथ, ताकि कामयाब जिंदगियां आपकी बन जाए, क्योंकि कामयाबी का राज मुकद्दसा मरियम लासानी मुअल्लमा के पास है। अल मुख्तसर, मुकद्दसा मरियम खुद तो खुदा नहीं, मगर अपने बेटे खुदावंद यसू अल मसीह की सूरत में उन्होंने सारी नस्ल इंसानी को खुदा दे दिया, जो हर इलम का सर चश्मा है, जो मुअल्लम आजम है, जो उस्तादों का उस्ताद है, जो रब्बियों का रब्बी है, जो मेरा और आप सब का खुदावंद है, जो मुअल्लम आजम है, जो उस्तादों का उस्ताद है, जो रब्बियों का रब्बी है, जो मेरा और आप का खुदावंद है। ये उसकी मेहरबानी है, ये उसका करम है कि उसने हम सबको मुअल्लम आजम बख्श दिया, जो हर इलम का सर चश्मा है, हर दनाई उसकी ज़ात मुबारका से फूटती है, हर हिकमत उसकी ज़ात से निकलती है। अभी हम बाइबल की रूह से देखेंगे कि मुकद्दसा माँ मरियम बाइबल के अंदर किस तरह वो लासानी मुअल्लमा है। मुकद्दसा मरियम ने अपने खालिक व मालिक की ज़ात से जो कुछ सीखा पूरी दयानतदारी के साथ अमल में लाई और अगली नस्लों में मुंतकिल कर दिया। यूं तो उनकी जिंदगी का हर अमल ही तालीमात का खजाना है, मगर चंद चंद एक तालीमात जो बतौर मुअल्लमा उन्हें लासानी मुअल्लमा बना देती हैं, वो गौर तलब हैं। नंबर एक, अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हर हाल में खुदा की पाक मर्जी को पूरा करना। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर हर हाल में खुदा की पाक मर्जी को पूरा करना, किसी अजर, किसी इनाम और किसी फायदे के लिए नहीं, बल्कि उसकी ज़ात की बात है। उसकी ज़ात के नाम को इज्जत और जलाल मिलना चाहिए। अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर हर हाल में खुदा की पाक मर्जी को पूरा करना, लूका पहला बाब उसकी 37 और 38 आयत में लिखा है। जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आता है और उससे सारा मंसूबा नजात बताता है, तो वो कांपना शुरू हो जाता है। ये कैसा हो सकता है, ये नामुमकिन बात है। अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर उसे कहा, देख मैं खुदावंत की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। बोलो मुकद्दसा मरियम दे नां दी। बोलो मुकद्दसा मरियम दे नां दी। खुद सुपुर्दगी की दुनिया के अंदर इस तरह की मिसाल आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, तारीख नहीं बता सकती। जितना मर्जी आप देख ले, खुद सुपुर्दगी की ये उम्दा तरीन, खूबसूरत तरीन मिसाल
जो मुकद्दसा मरियम ने पेश की नहीं मिल सकती। नंबर दो, जिंदगी की हर अजमत और सरफराजी का सेहरा अपने खुदावंद खुदा के सर सजाना और अपनी जात में उतना ही हलीम और फरोतन होते जाना, नीज हमेशा अपने खालिक का शुक्र गुजार रहना। आज थोड़ा जा भी स्टेटस बन जाए तो फिर हमारी एड़ियां जमीन पर नहीं लगती। हम कहते हैं कि यह मैं कामयाब शख्स, मेरी वजह से मेरा खानदान आगे बढ़ा है, मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने 25 साल दुबई में बड़ी मेहनत करके अपने खानदान को ऊपर उठाया है। लेकिन मुकद्दसा मरियम जो सबक देना चाहती है वो ये है कि जिंदगी की हर अजमत, आपकी जिंदगी में जो कामयाबियां अजमतें आती हैं, बरकतें आती हैं, वो खुदा की वजह से है, खुदा की नजरे करम है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी मेहरबानी है। मेरी औकात क्या है, मैं कुछ भी नहीं हूं, ये मरियम सिखाती है, ये लासानी मुअल्लमा सिखाती है कि उसकी जात का शुक्र करो और हलीम और फरोतन होते जाओ। जितने खुदा दर्जात बुलंद करता जाए उतने ही सिजदे में चलते जाओ ताकि खुदा को पसंद आओ और उसका शुक्र अदा करो। मुकद्दसा मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, मेरी रूह मेरे नजात देने वाले से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर। पस्त हाली के एक शख्स बिल्कुल जमीन पर लगा हुआ हो और उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाए, पस्त हाली पर नजर की। इसलिए देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। आइए जोरदार तालियां बजाएं इस मुबारक हस्ती को, हर जमाने के लोग का कलाम मुबारक कह रहे हैं, हर जमाने के लोग तालियां बजाएं कहेंगे, हमसे पहले भी और हमारे इस दौर में भी और हमारे बाद भी ये हस्ती मुबारक है। हर जमाने के लोग, हर नस्ल इसको मुबारक कहेगी। ये खुदा का फैसला है, ये कलाम का फैसला है, ये नबूवत है जो मुकद्दसा मां मरियम की जुबान मुबारक से निकली है। देख, अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। नंबर तीन, खुशी से खिदमत करना और खुशियां बांटना। आज के दौर में बड़ा मुश्किल बात हो गई है, खिदमत हमेशा मजबूरी से होती है, या अगर कोई मुफाद मफूद होवे या कोई प्रॉपर्टी जायदाद होवे तो फिर ही बुजुर्गों की खिदमत, वरना मुश्किल है। खुशी से खिदमत करना और खुशियां बांट, ये मुकद्दसा मरियम हमें सिखाती है। लूका 1:39-44 आयत, और उन्हीं दिनों में वो उठकर जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिजाबेथ को सलाम किया। आज की अंजील में आपने सुनी है, और जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का सलाम सुना तो उसके बतन में उसका बच्चा उछल पड़ा। एलिजाबेथ रूल कुदस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची तो मेरे बतन में मेरा बच्चा खुशी से उछल पड़ा, खुशी से। मुकद्दसा मरियम और एलिजाबेथ की मुलाकात एक अलहदा से एक बहुत बड़ा खूबसूरत टॉपिक है कि मुकद्दसा मरियम के जाने से उस घर के अंदर खुशी आती है। बड़ा अजीब मंजर बना हुआ था, बुढ़ापे में एलिजाबेथ जन्म देने वाली है, छुप रही है, परेशानी है, हस्बैंड गुंगा हो गया है, उससे वो बातचीत नहीं कर सकती, कोई जज्बात कोई एहसासात, एक उदासी सी सारे माहौल के अंदर है। लेकिन जो ही मुकद्दसा मां मरियम के कदम उस दहलीज के अंदर पड़ते हैं तो वो रूल कुदस से मामूर होकर कहती है कि तेरे सलाम की आवाज सुनते ही हम खुशी से भर गए हैं, खुशी आ गई है, खुशी से खिदमत करने वाली आ गई है। तो खुशी से खिदमत करना और खुशियां बांटना, मुकद्दसा मरियम आज लासानी मुअल्लमा होने के नाते से हम सबको सिखाती है।
نمبر چار، خداوند خدا سے عمر بھر وفادار رہنا اور ہر رشتے میں وفاداری نبھانا۔ آج وفاداری کا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی شخص کسی سے وفادار نہیں ہے، رشتوں کے اندر بے وفائی ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، رشتے ختم ہو رہے ہیں، رشتوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے، وفاداری نہیں ہے، وفاداری بہت مشکل ہو گیا ہے۔ آج ہر شخص کسی نہ کسی کو فریب دے رہا ہے، اور آج کا پیغام مقدسہ مریم لاسانی معلمہ کا یہی ہے کہ اپنے رشتوں کو مضبوط کرو، وفاداری دکھاؤ۔ مقدس یوحنا 19:26 میں صلیب کے نیچے کھڑے ہو کر ماں کا رشتہ نبھایا جا رہا ہے۔ جب دکھ ہو، جب پریشانی ہو، جب مصیبت ہو، جب رنج ہو، تو پھر ایک ہی ہستی ہوتی ہے جو ساتھ نبھاتی ہے، جو ساتھ چلتی ہے، جس کو دیکھ کر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یسوع صلیب پر لٹکا ہوا ہے اور ماں صلیب کے نیچے ہے، وہ حوصلہ پا رہا ہے اس ماں سے، اس کی وفاداری سے، اس مضبوط رشتے سے کہ میری ماں میرے ساتھ، سب چلے گئے، سب چھوڑ گئے، لیکن مقدسہ ماں وفاداری کا رشتہ نبھا رہی ہے، ماں ہونے کا ثبوت دے رہی ہے۔ آج وہ ہم سب کو بھی، ہم ساری جو یہاں پر مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ سب کو بھی یہ پیغام ہے کہ وفاداری کی زندگی بسر کرو تاکہ مقدسہ ماں مریم کے حقیقی شاگرد بن سکو۔ پاکیزہ اور سادہ زندگی کی تعلیم، پاکیزہ اور سادہ زندگی کی تعلیم۔ آج صرف برانڈز کی بات ہوتی، آج صرف سٹیٹس کی بات ہوتی ہے۔ سادگی جڑا سادہ ہوئے تو آنے نے ایک کیڑا بندہ ہے یار، بیوقوف جا ہے، انو زمانے دا پتہ ہی نہیں، ترقی دا پتہ ہی نہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے۔ سادگی، سادہ ہونا خدا کی صفت ہے، اور مقدسہ ماں مریم سادگی کا درس دیتی ہے، پاکیزگی کا درس دیتی ہے۔ نمبر چھ، لوگوں کی خدا تک رسائی کروانا، لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے ہاتھ میں دینا، یہ مقدسہ ماں مریم کا کام ہے۔ خاندانوں کی مربی ہے، خاندانوں کے لیے دعا گو رہتی ہے، خاندانوں کے لیے دعا کرنا، خاندانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، خاندانوں کو خداون کے پاس لے کر جانا، یہ اس کا کام ہے، ہاتھ پکڑ کر خدا کے ہاتھ میں دے دینا۔ آگے جا کر اس پر بات کرتے ہیں۔ نمبر سات، بچوں اور اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت اپنی زندگی کے نیک نمونے سے کرنا، مقدس لوکا 2:51-52 آیت میں ہے، تب وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ آج ماؤں کو اپنی بچوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کس بات میں ترقی کر رہے ہیں، خدا کی ذات میں، آدمیوں میں، تعلیم میں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ماؤں کی تربیت میں کمی ہے۔ وہ اس کے تابع رہا اور اس کی ماں نے یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھی، اور یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا اور آدمیوں کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا۔ نمبر آٹھ، زندگی کی دشوار گزاریوں میں کبھی نہ گھبرانا اور نہ خوف زدہ ہونا، خدا پر مکمل بھروسہ رکھنا اور ثابت قدمی سے اپنی منزل کی جانب بڑھتے جانا۔ مقدس متی 2:14 میں، تب وہ اٹھ کر رات ہی کو بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر مصر روانہ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا کہ یہ سفر کیسا ہوگا، کیسے ہم طے کریں گے، کیا ہوگا، کوئی سوال نہیں ہے، بلکہ اس پر بھروسہ رکھ کر اپنی منزل کی طرف گامزن رہنا۔ نمبر نو، مشکل حالات میں اپنوں کے ساتھ کھڑے رہنا، ہمت اور حوصلہ دینا، منہ نہ موڑنا اور نہ بھاگنا، یہ بھی صلیب کے نیچے کھڑے ہونے کا دل خراش منظر ہے۔ نمبر دس، اپنی زندگی کی بلاہٹ مقصد کو جاننا اور پھر اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دینا۔ خدا نے ہمیں کیوں بلایا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ ضروری ہے، یہ جاننا چاہیے، اور پھر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ قربانی کے جذبے سے سرشار رہنا،
नंबर 12 दुआया हालत में रहना और हर वक्त खुदा की हजूरी के एहसास के साथ जीना। अमाल 1:14 जब तमाम शागिर्द और दूसरी औरतें मुकद्दसा मां मरियम के साथ मिलकर दुआ कर रही, दुआ में रहना, दुआ में ठहरना और खुदा की हजूरी के एहसास के साथ जीना। नंबर 13 जिंदगी की तरजीहात को वाजे करना और इन्हीं असूलों पर कायम रहकर जिंदगी गुजारना। मुकद्दस यूहन्ना 2:5 में है, और जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। बगैर किसी इल्तजा, बगैर किसी दरखास्त के दूसरों की मुश्किल हालात में मदद करना, शिफायत करना, ये है मुकद्दसा मां मरियम का काम। ये 3-4 पॉइंट जो हैं वो काने जलील की शादी का मंजर पेश कर रहे हैं कि किस तरह मुकद्दसा मां मरियम उनकी जरूरत को महसूस करती है और उनको खुदावंद के पास लेकर आती है, उनका हाथ खुदा के हाथ में दे देती है और शफायत करती है, मुश्किल हालात में मदद करती है। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, ऐ औरत मुझे और तुझे क्या हनूज मेरा वक्त नहीं आया। खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, हम मेहमान हैं, हमारा इनके खानदानी मामलात में आना ठीक नहीं है। और फिर दूसरा बात कहते हैं कि हनूज मेरा वक्त नहीं आया, खुदा का मंसूबा अभी नहीं है कि मैं आश्कारा किया जाऊं, अभी मैं लोगों को नहीं बता सकता कि मैं ही वो मसीहा हूं, अभी मेरी टाइमिंग नहीं है, वक्त नहीं है और मैं ये काम नहीं कर सकता। और मुकद्दसा मां मरियम क्या कहती है, जो कुछ ये तुमसे कहे, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो, वो करो, वो करो। इसलिए शायर कहता, इस गल ते मान जरूर सानू, इस गल ते मान जरूर सानू, मरियम जो चाहे वो करवा सकती, इस गल ते मान जरूर सानू, मरियम जो चाहे वो करवा सकती, ओ आप नजात नहीं दे सकती, यीशु पाक दे कोलो दवा सकती, ओदा आखे मोड़दा नहीं, जड़ी जी चावे ओ बनवा सकती, बरकत इस दे विच नहीं, झूठ यारो मरियम पानी तो मैं बनवा सकती। बोलो मुकद्दसा मरियम दे नां दी, बोलो मुकद्दसा मरियम दे नां दी। वक्त है या नहीं, आज तुझे मौजजा करना होगा मां की वजह से, मां के कहने पर जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। मुकद्दसा मरियम को लासानी मुअल्लमा उनकी ये अनमोल सिफत बनाती है कि वो खुदा के इल्हाम और भेद को, भेद की बातों को हिफ्ज़ करके अपने दिल में उन पर गौर करने वाली है। इसी सिफत यानी दिल में रखना और गौर करना ने मुअल्लमा बनने की राहें खोल दी। इस एक सिफत ने कि खुदा की बातों को पहचानना, गौर करना, दिल में रखना, इस एक अनमोल सिफत ने मुअल्लमा बनने की राहें खोल दी। मुकद्दसा मरियम लासानी मुअल्लमा की कुर्बत मुकद्दस यूहन्ना को नसीब हुई तो मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली तर्ज तहरीर इस बात का सबूत है कि इस कुर्बत के असर से कलाम और इल्हाम के वो दर खुले जिसकी कोई मिसाल नहीं। इलाही भेदों का ये इंकिशाफ और गहरी समझ सिर्फ वही हस्ती दे सकती है जिसे कलाम का करीब तरीन तजर्बा हासिल हुआ हो। इस वजह से इस दर्जा को पहुंचने वाली लासानी मुअल्लमा मुकद्दसा मरियम ही है। उसी की बदौलत मुकद्दस यूहन्ना की तहरीर शुदा अंजील में खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीलन बयान, इलाहियाती समझ और ईमानी वुसअत पहली तीन अनाजील से मुनफरिद और आला तरीन है। मुकद्दसा मरियम लासानी मुअल्लमा के मौजू में इस अहम तरीन पहलू का तज़करा बेहद जरूरी है कि हमारे मुनज़्ज़िए खुदावंद यीशु मसीह जो मुअल्लमे आज़म हैं, उनकी माँ होने के इत्तबार से उनके इल्म, उनकी तालीम, बल्कि मुअल्लमे आज़म होने में बड़ा अहम किरदार इस लासानी मुअल्लमा का है। मुकद्दस लूका अंजील नवीस फरमाते हैं कि इस लासानी मुअल्लमा के ताबे रहकर खुदावंद यीशु मसीह न सिर्फ कद्दो कामत में बड़े बल्कि हिकमत और खुदाए बुजुर्गों बरतर और इंसान की नजर में भी मकबूलियत हासिल की। खुदावंद यीशु मसीह ने खानदानी जिंदगी में अपनी माँ की
जिंदगी को बड़े गौर से और बड़े करीब से देखा और उनकी रोजमर्रा जिंदगी से ही बड़े बड़े दर्स हासिल किए, जिनको बाद अज़ां खुदावंद यसूल मसीह की इलानिया जिंदगी में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। मुकद्दसा मरियम बतौर माँ अपने बेटे खुदावंद यसूल मसीह को खुदा की वफादारी और खुदा की रजा के ताबे रहना, खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए अपना आप दे देना, उसकी पाक जात पर भरोसा करना, दुआ करना, हलीमी से जिंदगी गुजारना, पाकीजा जिंदगी बसर करना, दूसरों का एहसास करना और उनकी मदद करना, ये मुकद्दसा मरियम ने अपने बेटे को सिखाया। नीस हर लिहाज से एक मिसाली जिंदगी का दर्स कलाम मुकद्दस में हम मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यसू अल मसीह की जिंदगी में इन तमाम सुनहरे असूलों को बड़ा वाज़े तौर पर देख सकते हैं। अगर हम मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यसू अल मसीह माँ और बेटे, लासानी मुअल्लमा और मुअल्लिम आज़म दोनों की जिंदगियों पर तफसीलन नज़र दौड़ाएं तो हमें यकसानियत मिलेगी और मुकद्दसा अलीज़बाद के वो अल्फाज याद आएंगे जो रूल कुदस से मामूर होकर उसने अपनी जुबान से अदा किए कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। खुदा से दुआ है, खुदा से दुआ है कि लासानी मुअल्लमा की लासानी तालीमात और उनकी जिंदगी का नेक नमूना हम सब का नस्बुल ऐन बन जाए और उनकी तालीमात की रोशनी में जिंदगी गुजार कर हम दोनों जहानों में सुरखरू हो सकें। अभी मैं अपनी हर स्पीच पर, हर लेक्चर पर, हर वाज पर मुकद्दसा माँ का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप भी मेरे साथ सब खड़े हों ताकि आज अजीम मुअल्लमा, लासानी मुअल्लमा का हम सब मिलकर शुक्रिया अदा करें, शुक्रिया अदा करें इस अजीम हस्ती के लिए जिसने अपनी जात से बहुत कुछ सिखाया। मेरे मौला ने जिन्नू प्यार कीता, मेरे मौला ने जिन्नू प्यार कीता हर एक नू वखो वख कीता, मेरे मौला ने जिन्नू प्यार कीता हर एक नू वखो वख कीता, ए ओदी फैज परवाह ओदी, ए ओदी फैज परवाह ओदी, किते लख दिता किते कख दिता, ए ओदी फैज परवाह ओदी, किते लख दिता किते कख दिता, गुनाहगारां नू अपनी मां दिती सानू सवा लख दिता। खुदा आप सबको बहुत बहुत बरकत अता फरमाए और इस लासानी मुअल्लमा का सबक दर्स हमेशा आपकी जिंदगियों में रहे। खुदा आप सबको, फादर जी को आज की ताजपोशी बहुत बहुत मुबारक।